लोगों का फ्यूचर हाथों की लकीरों में नहीं, मेरे पोपट की चोंच में बंद है। अभी ये अपनी चोंच से तुम्हारा भाग्य बताएगा। चलो आजाद मिट्ठू, इसका भाग्य बताओ। शर्मा क्यों रहे हो, बाहर आओ। चलो चलो उठाओ, तुम्हें भी घूस खाने की आदत हो गई। अपनी आंखों से देख लो, कुबेर स्वयं पधारे हैं। अब जो भी काम करोगे उसमें भाग्य तुम्हारा पूरा साथ देगा। अभी चाहे ऑटो के पैसे ना हो पर भाग्य खुलेगा। तुम बेंस कार में सिग्नलों को तोड़ते हुए दूर तक चले जाओगे, समझ गए? जाओ जाओ जाओ, दक्षिणा तो दो। ये लीजिए। नमस्ते, बैठिए। आपके चार्जेस क्या हैं? खाली 20 रुपए। और मिठू का प्राइस? तोते की क्या कीमत है? क्या बोली, मिठू बिकाऊ नहीं है। बताओ वरना तेरे कपड़े बिकवा दूंगी। क्या समझते हो, पैसे कमाने के लिए इस मासूम से परिंदे का मिसयूज करते हो? शर्म नहीं आती क्या तुम लोगों को? उसे खाने का एक छोटा सा दाना देकर खुद के लिए पूरे दिन का जुगाड़ करते हो? शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? हाँ, ये छोटा सा परिंदा तुम्हारे पूरे घर का पेट पाल सकता है। हाँ, तो अगर तुम खुद कुछ करोगे तो अपनी फैमिली के लिए पता नहीं क्या कर सकते हो। इसे खुली हवा में छोड़ने के बजाय तुमने इसे पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है। इस बेचारे को अपना तो फ्यूचर कुछ पता नहीं है कि तुम्हारे जैसे बदतमीज के साथ इसे कब तक रहना पड़ेगा। ये दूसरों का फ्यूचर क्या बताएगा? हाँ, लोगों के इमोशन का फायदा उठाकर उन्हें इमोशनल फूल बनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? आजादी इंसानों का नहीं जानवर का भी हक है। ये क्या कर रहे हो? ये है इसका असली फ्यूचर। आजाद मिठू, वापस आ जा, मेरा धंधा चौपट कर दिया तूने। पेट भरने के लिए किसी पर जुल्म करना गलत है, तुम्हें पैसे ही चाहिए ना? ये लो, पेट भर के खाना। हाँ, जुग जुग जी, और ले लो। बहुत हाँ। अच्छा काम। मैं उस दिन गई थी वहाँ पर। क्या बात है, हाँ। चमक रहे हो। मुझे तो उसका सामान बहुत अच्छा लगा, अगली बार जाऊंगी तो खरीदूंगी। अरे कहाँ भागी? ठीक है चलो। हेलो, क्या चाहिए? तुम कमाल हो सच में, बड़ी प्यारी हो। बल्कि सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारी सोच भी बहुत प्यारी है। हाँ जानता हूँ, किसी अजनबी को ऐसे सड़क के बीच तारीफ करना अजीब तो है, शायद गलत भी हो, पर अपने जज्बात छिपाना भी तो गलत है। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम तो कुछ कह ही नहीं रही हो। मैंने कुछ गलत कहा तो सॉरी। हाँ गलत ही तो है, किसी दो बच्चे की माँ से यूं सड़क पर चैटिंग करके सेटिंग करना गलत है। रुको, मम्मी आ रही है। मेरे जैसी हाउसवाइफ सिर्फ सब्जी खरीदने और बच्चों को स्कूल लेने छोड़ने के लिए घर से निकलती है, अब तुम ऐसे रोक कर मेरी ये आजादी भी छीनना चाहते हो? रुको रुको, देखो मम्मी आ गई है, चलो अब घर चले। चलो अरे इतनी देरी कैसे हो गई? अभी बताती हूँ, आज तो बहुत ड्रामा हो गया बाबा। काम खत्म करके मैं घर वापस आ रही थी, एक बेवकूफ अचानक मेरा पीछा करने लगा। मुझे शक हुआ, मैं मुड़ी तो देखा कि वो ठीक मेरे पीछे खड़ा हुआ था। अच्छा, और फिर? बस 2 मिनट बात करके वो सीधे मुझसे शादी करने की बात करने लगा बाबा। अरे सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए, मुझे तो लगा कहीं ये गवार मंगलसूत्र जेब में रख कर न लाया हो। पर मैं हूँ तो आपका ही खून। पता है मैंने क्या किया? क्या किया बता। मैंने उसे कहा कि भाई साहब मैं पहले से शादीशुदा हूँ और 2 बच्चों की माँ भी हूँ। माँ सुनते ही उसके तो दिल में ठेस पहुँच गई। उसका चेहरा पूरा लाल पीला हो गया। वो लड़का कहीं ये तो नहीं? लगता है शौक हो गया। दिव्या, वहाँ बेंच पर यही मम्मी मिली थी ना? हाँ माँ। अरे बाप रे, लगता है गई भैंस पानी में। तूने जो कुछ भी कहा सब झूठ कहा, पर मैंने इसे सब कुछ सच कहा है, मैंने तो इसे अपना दामाद मान भी लिया है। इसका नाम है जगन, मेरा दोस्त है और इसका दिल सोने का है। बचपन से गुरुकुल में हम साथ ही पले बढ़े, हमारी अपनी कोई फैमिली नहीं, इसका मैं हूँ और मेरा ये है। अगर आप चाहें तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बढ़ाते हैं। एक ही बार मिलके आप फैसला कैसे कर सकते हैं? तुम शायद गलत समझ रही हो, मुझे तो पहली नजर में ही प्यार हो गया था, पर बिना तुम्हारी रजामंदी के शादी के बारे में सोचना भी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी।
इसलिए मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता था। बाबा मैं इसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बात करो, मैंने तो इसे घंटा भर बात की। भाई मुझे तो लड़का अच्छा लगा, आज तक जितने भी लड़के तुम्हें देखने आए तुमने सबको खरी खोटी सुना दिया, पर ये उन जमूरों जैसा नहीं है। जाओ ऊपर जाके बात कर लो, जाओ बेटा। मुझे शादी करके घर बसाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। क्यों? जहां तक बाबा का सवाल है, मेरी शादी उनका सबसे बड़ा सपना है, पर मुझे लगता है मुझे कभी भूल कर भी शादी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी सूंघने की प्रॉब्लम के बारे में जानता हूँ, पर यह प्रॉब्लम इतनी भी बड़ी नहीं कि तुम किसी को शादी से ही इनकार कर दो। प्रॉब्लम तो तब होगी जब मैं तुमसे शादी करूंगी। मुझे पत्नी बनाकर कदम कदम पर तुम्हें मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। शुरू शुरू में तुम्हें शायद सब अच्छा लगे, पर जिंदगी भर झेल पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। पत्नी का मतलब सुख दुख बांटने वाली, ना कि जिंदगी भर का बोझ। और इसके अलावा एक बार फिर मैं किसी अपने की मौत की वजह नहीं बनना चाहती। माँ, माँ के सैंडल्स गायब हैं। मतलब आज भी सब्जी लेने मार्केट गई है। चलो अच्छा हुआ, आज मैं गाने सुनते हुए डांस करूंगी। अरे यार लाइट चली गई, इस लाइट को भी अभी जाना था क्या? नो प्रॉब्लम, वॉकमैन तो है। ज्योति स्कूल से वापस आ गई। पागल लड़की। माँ क्या हुआ? मेरी वजह से माँ चली गई और मुझे पता तक नहीं चला। जो भी मेरे साथ रहेगा उसकी जान पर खतरा मंडराता रहेगा, इसीलिए मैंने लोगों की भलाई को ही अपनी जिंदगी बना लिया है। अब हर कोई मदर टेरेसा तो नहीं बन सकता, लेकिन उनके बताए रास्ते पर तो चल सकता है। और भलाई के रास्ते पर चलने के लिए मैं हर बार अपने पति से परमिशन बिल्कुल नहीं मांगना चाहती। मैं सिर्फ अपने पति का घर संभालने में जिंदगी नहीं बिता सकती। एक मिनट, तुम्हारी शादी ना करने की वजह क्या है? तुम्हारा कुछ ना सूंघ पाना या लोगों की भलाई में तमाम जिंदगी गुजारना? एक बार फिर से कहता हूं, मैं तुम्हें बेहद चाहता हूं, पर फिलहाल तुम्हारी जिंदगी में बहुत कंफ्यूजन है। इट्स ओके, जब यह कंफ्यूजन दूर हो जाएगी मैं तुम्हारे सपनों में आने लगूंगा। और जब आने लगूं तो बाबा के हाथ मैसेज भिजवा देना। फिर मिलेंगे। एक और बात। हाँ? देख लेना, एक दिन तकदीर हम दोनों को मिलाएगी जरूर। चलो भाई। तो क्या पढ़ाया टीचर ने? सुना था अप्सराएं दिल से सोचती हैं, आज देख भी लिया, पर वो मेरी होके रहेगी। कोई पसंद तो आई है। हाय ज्योति, तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारा पीछा करना गलत है, उसके लिए आई एम सॉरी। अब तुम्हें फोटोज इतनी पसंद आई गई हैं तो ये गलती मैं बार बार दोहराने को तैयार हूँ। हेलो, इधर उधर क्या देख रही हो? मैंने सोच लिया शादी तो तुमसे ही करूँगा, मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताऊंगा। तुमने मुझे अपना दास नहीं बनाया ना? तो कसम खा के कहता हूँ देवदास बन जाऊंगा। मैंने तो बोल दिया, अब तुम्हारी मर्जी। पापा बोल रहा हूँ, दामाद जी ने एक वीडियो भेजी, देखी कैसी लगी वो?
एकदम हीरो लगता है। फोन रख दीजिए बाबा, बेवड़े कहीं के पूरे शराबी हैं आप। जितना पीना है पियो। हाँ ठीक है ठीक है, मुझसे बात मत करना। आओ बेटी, 7 सप्ताह पूरे हो गए ना। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुम्हारा व्रत भी पूरा हो गया। देवी माँ तुम्हारी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगी। ये लो। थैंक यू दीदी। संभल के जाना। देवी माँ, इस उम्र में लड़कियाँ अपने लिए अच्छा वर मांगती हैं, पर मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी ही ना हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कभी किसी को कोई कष्ट हो। प्लीज किसी तरह बाबा का मन बदल दीजिए, और जगन का भी, जो हर जगह परछाई की तरह मेरा पीछा करता है। प्लीज। अरे वो देखो उसकी साड़ी चल रही है। अरे बेटी तुम्हारी साड़ी देखो। अरे बेटा, कब से मैं चिल्ला रही थी कि तुम्हारी साड़ी में आग लगी है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था क्या? शोर शराबे में कुछ सुनाई नहीं दिया होगा इन्हें। सुनाई नहीं दिया, लेकिन साड़ी में आग लगने की बात तो आई होगी। हर जगह तो दिए जल रहे हैं, इसलिए शायद ध्यान नहीं गया होगा। चलो जाने दो, इस लड़के के रूप में आकर स्वयं भोलेनाथ ने तुम्हें बचाया है, नहीं तो अनर्थ हो जाता। कम से कम अब तो समझ जाओ ज्योति, तुम्हें भी कोई ख्याल रखने वाला चाहिए। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मैं चाहता हूँ तुम खुद अपनी हिफाजत कर पाओ। आगे जो तुम्हारी मर्जी।